बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का 54 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे मुंबई के कोकिला वेन अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत काफी गंभीर थी। रिपोर्ट्स के अनुसार इरफान पेट की समस्या से जूझ रहे थे, उन्हें कोलोन इन्फेक्शन हुआ था। डायरेक्टर सुजीत सरकार ने इरफान खान के निधन की खबर दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मेरा प्यारा दोस्त, मेरा इरफान, तुम लड़े और लड़े और लड़े, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। हम दोबारा मिलेंगे। सुतापा और बाबिल को मेरी संवेदनाएं। तुमने भी लड़ाई लड़ी सुतापा, इस लड़ाई में जो तुम दे सकती थी तुमने सब दिया। ओम शांति। इरफान खान को सलाम। बॉलीवुड के टैलेंटेड अभिनेताओं में शामिल इरफान खान के यूं अचानक चले जाने से उनके फैंस और बॉलीवुड सेलेब्स सदमे में हैं। दो साल पहले मार्च 2018 में इरफान खान को न्यूरोएंड्रोकोइन ट्यूमर नामक बीमारी का पता चला था। विदेश में इस बीमारी का इलाज कराकर इरफान खान ठीक हो गए थे। भारत लौटने के बाद इरफान खान ने अंग्रेजी मीडियम में काम किया था। किसे पता था कि ये मूवी इरफान खान की जिंदगी की आखिरी फिल्म साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।